नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा के सिनवार विधानसभा में आज आयोजित जनसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे, जहां उन्होंने सिरमौर से बनाए गए समाजवादी पार्टी प्रत्याशी लक्ष्मण तिवारी के पक्ष मतदान करने लोगों से अपील की। उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि यहाँ के लोग आज भी पिछड़े हैं, अच्छी शिक्षा से वंचित हैं, बढ़ते हुए बिजली के बिलों से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि MP में चुनाव की तारीख कभी तय नहीं हुई, लेकिन सभी दल ने तैयारी कर ली है, समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर ली है और सबसे आगे हम। कांग्रेस की जब सरकार बननी थी, सबसे पहले कांग्रेस ने समर्थन समाजवादी पार्टी से मांगा था, हमने समर्थन दिया और फिर अन्य दल का समर्थन दिया। विंध्य क्षेत्र का इलाका बहुत पिछड़ गया है, पेपर और TV में विज्ञापन BJP का चल रहा है, आखिर इतना पैसा आता कहाँ से है? नोटबंदी के नाम पे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। ये MP का चुनाव नहीं, देश का चुनाव है। आपका एक वोट संदेश देता है, BJP के मंथन किया गया, दिल्ली का चुनाव पहले कराए या MP का, लेकिन अब MP का चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में क्यों आए प्रधानमंत्री? क्योंकि वहाँ आए तो जीते, बिना उत्तर प्रदेश आए प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। BJP के लोग बहुत झूठे हैं, किसान मजदूर बेरोजगार भाई, यदि आप करिए उन्हें जो वादे किए पूरे हुए, क्या आप इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी के हैं? लेकिन उसकी अलग लड़ाई है। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। दो नारा लगाऊंगा और देखेंगे कितना जोर। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। थैंक यू। निवेदन आए जी भी आए हैं मंच पर, सभी माता बहनों को बताना चाहते हैं, माता बहनों, आपके बेटा, आपके भाई, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। अब्दुल कलाम पार्षद सिरमौर, मुन्नी लाल पॉल सिरमौर, राम सुमरन नामदेव, राम भरन सेन, राजा राम विश्वकर्मा। गजानन प्रसाद द्विवेदी, मोहम्मद सलीम सिरमौर, ललोहर सिंह, इंद्रमान कुशवाहा, श्रीमती उषा यादव, सिद्धार्थ मिश्रा, धर्मराज यादव, जगदीश अपना स्थान ग्रहण करें। अब्दुल कलाम पार्षद सिरमौर,
मुन्नीलाल पॉल सेमोर, राम सुब्रन नामदेव, राम भरन सेन, राजा राम विश्वकर्मा। ये सिद्धार्थ सिंह उधर खड़े हो जाकर कैमरा खींचिए, मैं अपने अच्छा चलो उसे घुमा लो तुम्हें ये पीछे खड़ा कर दो ना सिद्धार्थ सिंह कर लेंगे। चलो यार चलो सर हो जाएगा आजकल कोई कोई मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूँ कि इतनी सच बोलोगे तुम जेल चले जाओगे। मध्य प्रदेश में यूपी के तर्ज पर, मुझे मध्य प्रदेश का नहीं पता लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, अगर कोई पत्रकार साथी दाल में ज्यादा पानी की खबर चला दे मुकदमा लग करके जेल, कोई पत्रकार अगर सच्ची रिपोर्ट सड़क की दिखा दे झूठा मुकदमा लगा के पुलिस पीछे, तो अब मुझे मध्य प्रदेश में नहीं पता है कि यहाँ क्या व्यवस्था है। देखिए बुलडोजर की चाबी तब खो जाती है जब बीजेपी के लोग घटना करते हैं, जब कई बीजेपी के लोग काम करते हैं, अन्याय बीजेपी के लोग करते हैं, भूमाफिया बीजेपी के लोग बन गए हैं तो उनकी बुलडोजर की चाबी खो जाती है। और ये बुलडोजर संस्कृति कोई अच्छी संस्कृति नहीं है, क्या आप कोर्ट को बाईपास कर देंगे, नियमों को बाईपास कर देंगे? तो देखिए ना क्या हाल है और उसका परिणाम देखिए, जनता नाराज है, ऐसा नहीं है कि जनता नाराज नहीं है। आम आदमी पार्टी की मैंने क्या कहा और आप क्या सवाल हमसे पूछ रहे हो? हमने तो ईवीएम से ही हरा दिया, नहीं 50,000 हार हुई कि नहीं हुई, लेकिन जो हमारी मांग रही है कि बैलेट से वोट पड़े, ये सवाल आप बीजेपी चाहती है हम हाईलाइट करें क्योंकि वो हाईलाइट करना चाहते हैं। अमेरिका है बैलेट से वोट पड़ता है, एक महीना वोट पड़ता है, आप एक ही दिन वोट डाल के एक ही दिन काउंटिंग क्यों चाहते हो? कि अमेरिका से आगे हो आप भाई? अमेरिका से आगे हो क्या? क्या अमेरिका से ज़्यादा शिक्षित हैं आप? अमेरिका के लोग एक महीना वोट डालते हैं, चार महीना वोट डालते हैं भाई। आप 5 साल की सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च करने की बात करते हो, हमारे गरीबों का भाग्य बेहतर होगा, क्या वोट एक ही दिन पड़ेगा? तो जो मांग हमारी बैलेट की वो रहेगी, लेकिन इधर तो हम लोग ईवीएम से भी 50,000 हार हरा रहे हैं। मैं अपने पत्रकार साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा सवाल पूछा है जिसका जवाब आप आंकड़ों में देख सकते हो। एक ही जिले में हम 25,000 से जीत रहे हैं, एक विधानसभा 30,000 से जीत रहे हैं, 300 वोट से हरा दिया, 20 वोट से हरा दिया, 1200 वोट से हरा दिया, सेंटर फोर्स घुस गई अंदर पोलिंग बूथ में। और फिर जो उनका चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा ये नहीं है कि हम मामा हैं, हम आपको लाडली योजना से जोड़ देंगे। अरे भाई $5 trillion की इकोनॉमी है, आप मध्य प्रदेश से, मुझे नहीं पता इन्वेस्टमेंट मीट कितनी हुई है यहाँ, अभी गुजरात का चल रहा है इन्वेस्टमेंट मीट में। तो मुद्दे बेरोजगारी महंगाई होने चाहिए, लेकिन वहाँ मुद्दे कुछ और हैं, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के खिलाफ बोलना, ये कह देना कि 46 में 56 भर्ती हो गए। अरे सोचो योगी होकर के क्या वस्त्र धारण किए हैं, जिसकी हम गाँव में जाएँ तो सब पूजा करते हैं। सोचिए हमारे योगी मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, 46 में 56 भर्ती हो गए। अरे भाई 46 में 56 कैसे भर्ती होंगे? मैंने विधानसभा में पूछा, उसका जवाब आज तक नहीं मिला। तो ये झूठ बोल करके वोट लेते हैं और कुछ मैनेजमेंट ऐसा करते हैं जो बंद हो गया है उसका भी मैनेज कर लेते हैं। नहीं आ रहा यार, आज जुदा है सबसे पहले, नहीं आ रहा, मजा नहीं। यहाँ पर आई हुई जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जहाँ मुझे मैदान पूरा भरा दिखाई दे रहा है। मेरी जानकारी में लाया गया है कि सुबह 11 बजे से ही कार्यक्रम चल रहा है, इसका मतलब ये है कि बहुत सवेरे से ही यहाँ पर तैयारी कर करके लोग आए हुए हैं, मैं ये समझ सकता हूँ। और सबसे विशेष बात इस कार्यक्रम की मुझे ये दिखाई दे रही है कि जहाँ पर मुझे पुरुष और नौजवान दिखाई दे रहे हैं,
लेकिन वहीं महिलाओं की भी भागीदारी मुझे बहुत बड़े पैमाने पे दिखाई दे रही है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अभी राजकुमार शास्त्री जी का गाना सुन रहा था, वो सीना तान के कह रहे थे। मैं ये देख रहा हूं जो सामने में लोग दिखाई दे रहे हैं, ये समाजवादी लोग हैं, लाल टोपी लगा करके इस बार सीना तान के समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव चिन्ह पे वोट डालने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव की अभी तारीख नहीं आई है, मध्य प्रदेश चुनाव की अभी तारीखें घोषित नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं सभी दल अपनी अपनी तैयारी कर चुके हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी इस बार तैयारी में पीछे नहीं है, तैयारी में एकदम आगे दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी। मैं अपने साथियों को ये बताना चाहता हूं कि जिस समय कांग्रेस की सरकार बनने को थी और कुछ सीटें कम पड़ रही थीं, बहुमत कांग्रेस पार्टी के पास नहीं था, बहुमत को पूरा करने के लिए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने अगर किसी का समर्थन मांगा था तो समाजवादी पार्टी का इकलौता विधायक, जिसके समर्थन के बाद और दलों का समर्थन आ गया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और यहां पर समाजवादी पार्टी के हमारे प्रत्याशी लक्ष्मण तिवारी जी, हमारी पार्टी के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ब्यास जी, मरकांत साहब और यहाँ के हमारे संगठन के अंसारी जी, मैं इन सब का धन्यवाद देता हूँ। इनके माध्यम से और आपके माध्यम से आई हुई जनता का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि अपना सब काम छोड़ करके और उम्मीद से ज़्यादा समर्थन दिखाई दिया। मैं नहीं समझता था कि समाजवादी पार्टी का इतना समर्थन होगा, लेकिन कम समय मिलने के बावजूद भी, कम संसाधन जुटाने के बाद भी, अपने प्रयासों से स्वयं जनता जो चल कर के आई है, मैं जनता का धन्यवाद देता हूं। और जिस तरीके से जनता को मैंने देखा है, अभी तक रुके हुए थे, मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादियों पर इस बार जनता का आशीर्वाद रहेगा। बीजेपी इस आकलन में थी कि चुनाव पहले दिल्ली का हो क्या प्रदेशों का चुनाव हो, हमारे पत्रकार साथी भी उस उलझन में थे, लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि मध्य प्रदेश का चुनाव पहले होने जा रहा है, फिर दिल्ली का चुनाव होगा। इसलिए मैं यहाँ की जनता से अपील करूँगा कि केवल हिसाब किताब प्रदेश की सरकार का न लें, प्रदेश की सरकार तो कई वर्षों से यहाँ चल रही है और दिल्ली की सरकार इतने वर्षों किसी एक पार्टी को अगर मौका मिल जाए तो वो प्रदेश न जाने किस ऊंचाई पर दिखाई देगा। मुझे दुख है इस बात का कि दिल्ली में भी सरकार होने के बाद भी और प्रदेश सरकार में होने के बाद भी मध्य प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ अन्याय, बेटियों के साथ अन्याय, आदिवासियों के साथ अन्याय और ख़ासकर दलित महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसमें सबसे आगे अगर कोई प्रदेश दिखाई दे रहा है तो मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। इसी तरह बेरोजगारों की संख्या में भी मध्य प्रदेश आगे है। जो किसानों को सुविधा देने की बात बीजेपी ने कही, पूरे देश में कहा कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन आज भी जब चुनाव होने जा रहा है, इतने वर्षों के बाद भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। गेहूं प्राइवेट कंपनियों से खरीदवा लिया, धान में कोई इंतज़ाम नहीं किया, MSP के लिए किसानों को लड़ना पड़ा दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद भी
किसानों को कोई भाव ये सरकार ऐसा नहीं दे पा रही जिससे किसान खुशहाली में आए। शिक्षा का स्तर गिरा है और शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट आई है। सरकारी स्कूल और सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि प्राइवेट की तरफ बीजेपी जनता को लेकर के जा रही है। प्राइवेट जब भी चीज़ें बढ़ेंगी, गरीब जनता से दूर हो जाएगी शिक्षा स्वास्थ्य हमारा। देखिए बहुत हम बहुत क्लियर हैं, हमें किसी से कोई क्लियरिटी का सवाल नहीं है। हमारी पार्टियाँ हैं, हमारे विधायक थे, हमारी पार्टी को वोट मिलता है, जो हम अपनी पार्टी को एसेस कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता नेताएं आकलन करेंगे और वो बात रखी जाएगी जो प्लेटफॉर्म है उस पर कि हमारी पार्टी के ये प्रत्याशी हैं, हम इनके पक्ष में आपसे मांग रहे हैं। क्योंकि आपको वहाँ भी कुछ मांगना है। अब ये बात अलग, कोई बड़ी साजिश हो रही हो तो बड़ी बात है। रावण के उपासक हैं, उनकी बेटी को भाजपा ने टिकट दिया। देखिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी को ये बताना चाहिए आपको और सवाल पूछना चाहिए बीजेपी से। दिल्ली में नए लोकसभा में एक नया बिल लेकर के आए महिलाओं को आरक्षण देने के लिए, सीटों का आरक्षण मिलेगा उनको और नाम भी बड़ा अच्छा रखा उन्होंने। मैं ये जानना चाहता हूँ जो अभी सूची जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें महिलाओं को टिकट कितनी दी है? क्या महिलाओं के साथ धोखा नहीं है? और फिर मध्य प्रदेश है और प्रदेश है, दिल्ली का चुनाव होने जा रहा है, ये तो बीजेपी के लिए टेस्ट है कि अगर आपने लोकसभा में नारी सम्मान को लेकर के आपने इतना बड़ा फैसला लिया हो, क्या आप मध्य प्रदेश में 33% अपने संगठन की महिलाओं को टिकट देंगे कि नहीं देंगे? अगर ये नहीं देंगे तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जानबूझ करके जनता में महिलाओं को धोखा देने के लिए बिल लाए थे। अभी आपने कुछ बिंदु उठाए, जैसे कि घूम के जाना पड़ता है, टनल यहाँ क्यों नहीं? अगर टनल और जगह देश में बन सकती है, आप 1,00,000 करोड़ का एक्सप्रेस वे बना सकते हैं लोगों की सुविधा के लिए, और ये लोगों की सुविधा के साथ साथ यहाँ की अर्थव्यवस्था को भी लाभ पहुँचेगा, आपके देश की बचत होगी चीज़ों की, इसलिए टनल जैसी सुविधा हो। गोवंश का इन्होंने सवाल उठाया और इनके जो क्षेत्रीय सवाल हैं उसमें हम सहयोग करेंगे, अगर कोई विशेष बात भी होगी तो उसके भी पक्ष में हम। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि वो चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी उनकी और वो बड़े नेता हो गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं उनकी इच्छा किसी और दल से लड़ने की हो? अखिलेश जी सबसे बड़ी बात ये है कि जब जो देखिए वो भी नमूना नहीं, हमारा एजेंडा अलग है, उनका एजेंडा अलग है। हमने ये कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी काम अगर कोई हुआ था तो नोटबंदी हुई थी। याद कीजिए नोटबंदी में ये कहा गया कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन वो योजना ही सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी निकली। और फिर 2,000 रुपये आने की वजह से उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, इसमें चिप है, 2,000 पकड़ा जाएगा, हमारे पास ड्रोन है उससे ढूंढ लेंगे। बताइए कहाँ चिप था? अपना ही छापा हुआ नोट खुद ही बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि उन्हें पता था कि ये 2,000 रुपया भ्रष्टाचार बढ़ा रहा है। और फिर बैंकें ख़त्म हो गई, सोचिए बैंकें ख़त्म हो गई, कोई कल्पना कर सकता है बैंकें ख़त्म हो जाएंगी? कुछ बैंकों के नाम ही नहीं बचे, इलाहाबाद बड़ी बैंक थी किसमें मर्ज कर दी। तो ये भ्रष्टाचार बढ़ा, ये 50% भ्रष्टाचार जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन ये सोचो देश का कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे ही सांसद हैं जी, तो उस मामले में ये कंफ्यूज मत रखिए जी। अगला स्टेप, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब जेडीएस के बड़े नेताओं ने कहा था तो ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं, ये अलग बात है कि उन्हें बीएसपी से टिकट मिला था, लेकिन वो सपा और बसपा के गठबंधन से जीते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, ये जानबूझ करके बुलवाते हैं और ऐसे से बुलवाते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म पे बुलवाते हैं जहाँ से देश में संदेश जाए। लेकिन लोकतंत्र में और जो मर्यादाएं हैं उसको लांघना नहीं चाहिए, चाहे भाषा से चाहे व्यवहार से। अपनी भाषा से व्यवहार से किसी को भी मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए। और मैंने तो ये कहा कि उन्हें आजीवन बैन लगना चाहिए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा हेट स्पीच में या किसी कानून के अंतर उसके अंदर उनकी सदस्यता चली जाती है, 5 साल की सदस्यता जाती है, 6 साल की सदस्यता जाती है। ये ऐसा काम किया है लोकतंत्र में
जिसमें आजीवन इन पे पाबंदी लगनी चाहिए लड़ने की। केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेताओं को टिकट दिया जा रहा है, क्या लगता है बीजेपी? ये बीजेपी चाल चलेगी कि कई मुख्यमंत्री होंगे? सोचिए, पहली सूची में मुख्यमंत्री का नाम नहीं टिकट का, आप सोचिए। तो ये कई दावेदार बनाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने 10 दावेदार बनाए थे, हर जाति का एक एक वोट लेने के लिए। तो ये वोट लेने के लिए प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन इनका भविष्य कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, और आप पत्रकार साथी जानते होंगे, वो समय जिस समय कांग्रेस पार्टी को अपना बहुमत सिद्ध करना था, गवर्नर के यहाँ गिनती बतानी थी, सबसे पहले अगर किसी दल को ढूंढा गया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। और मुझे याद है उस समय के मुख्यमंत्री जी ने मुझसे समर्थन के लिए मांग की थी, मैंने बिना हिचके हुए और बिना किसी शर्त के पहले विधायक का समर्थन समाजवादी पार्टी ने दिया था, और उसी की वजह से कांग्रेस की सरकार यहाँ बनी थी। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दिया। इंडिया ये इसलिए लड़ रहे हैं कि जनता को धोखा देंगे कि इतने हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनमें से चुन लो, इन मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। इंडिया गठबंधन के आप प्रमुख घटक हैं, अगला कदम क्या होगा इंडिया गठबंधन? अगला कदम यह है कि जाति जनगणना पे जनता को जोड़ा जाए, जाति जनगणना जनता को समझाया जाए। और खुशी इस बात की है कि चमत्कार हो गया, इधर कांग्रेस पार्टी भी जाति जनगणना के पक्ष में आ गई। जिसने कभी लोकसभा में जाति जनगणना के खिलाफ खड़े हो गए थे, मुझे याद है वो समय में लोकसभा में था, नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण के सभी नेताओं ने मांग की थी कि जो सेंसस हो रहा है वो जाति के आधार पर हो, लेकिन उसने कांग्रेस से स्वीकार नहीं किया था। मुझे खुशी है इस बात की कि कांग्रेस भी अब पीडीए के रास्ते पर आ गई है और जाति जनगणना के पक्ष में आ गई है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? क्या लगता है विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में आपको आरोप लग रहा है कि वहां पर आप कांग्रेस के साथ नहीं थे, इसलिए? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस समय बाई इलेक्शन हुआ, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दल हैं और जो हमारे सहयोगी दल हैं, मैंने उनसे सबसे चिट्ठी लिख करके समर्थन मांगा था। लेकिन उत्तराखंड में हो सकता है कांग्रेस को ये लगता हो कि बिना समर्थन के ही हम जीत जाएंगे, उन्होंने किसी समाजवादी को नहीं पूछा। और उसका परिणाम क्या हुआ? अगर समर्थन मांगा होता तो समाजवादियों ने समर्थन दिया होता, क्योंकि समाजवादी पार्टी वो दल है जो इंडिया को मजबूत करना चाहता है, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी को रोकेगी तो दिल्ली में बीजेपी रोकेगी। आज सबसे ज़्यादा घबराहट बीजेपी को किसी से है तो समाजवादियों से है। अभी हाल में देखा नहीं है आपने, जब दिल्ली में G20 चल रहा था तो घोसी में कितनी बुरी हार हुई भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब अपनी हार की वजह नहीं बता पा रहे हैं। और कितना संसाधन जुटाया था, कितने नेताओं को जुटाया था, क्या भाषा इस्तेमाल नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने समाजवादियों को चुना, पीडीए को चुना, और उसका परिणाम यह है कि 50,000 हार हारी है भारतीय जनता पार्टी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।